गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास फॉर मैथमेटिक्स, क्लास सिक्स, चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ टू राइट नोटेशन एंड न्यूमरेशन। फर्स्ट वी हैव टू लर्न व्हाट इज नोटेशन। राइटिंग अ नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। मीन्स अगर आपको कोई नंबर फिगर में लिखना है तो उसे नोटेशन बोलेंगे, जबकि अगर आपको फिगर में दे रखा है और आप उसको वर्ड्स में लिख रहे हैं तो उसे न्यूमरेशन बोलेंगे। इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ करना पड़ता है, जो इस तरह से कि आप चार्ट देख रहे हैं, इसको थोड़ा समझेंगे। इसमें पहले देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, वंस। वंस में देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैक्स। आप इसे देखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद देख रहे हैं थाउजेंड, उसके बाद टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, इस तरह से ये हमारा बढ़ता जाता है। वंस प्लेस का मतलब है कि कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई वन में करना। टेंस प्लेस का मतलब है उस नंबर का मल्टीप्लाई टेन में करना। हंड्रेड का हंड्रेड प्लेस का मतलब है कि उसमें हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना। इस तरह से हमारे ज़ीरो 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 बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे फर्स्ट, इस नंबर को आप देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि एट, एट का मल्टीप्लाई आपको वन से किया गया है। थ्री जिसका प्लेस टेंथ है उसको आपको टेन से मल्टीप्लाई किया गया है। सिक्स जो हंड्रेड पे है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि नाइन जो आपके थाउजेंड प्लेस पे है तो उसे थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे इसमें। फेस वैल्यू, देखिए फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे कि आपको इससे नाम से समझ में आ रहा है, फेस यानी कि जो नंबर दिख रहा है। अगर इस नंबर की बात करी जाए और इसमें अगर हम बोलें कि थ्री का फेस वैल्यू बताइए, तो थ्री थ्री दिख रहा है तो इसका फेस वैल्यू सिर्फ थ्री ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो प्लेस वैल्यू का मतलब है जो उसका प्लेस है। अगर हम इस नंबर को पढ़ें वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, तो इसका जो प्लेस है वो टेन लैक है। थ्री का जो प्लेस वैल्यू है वो टेन लैक है। इसके अलावा एक आपका होता है इंटरनेशनल सिस्टम, स्कोर देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी नंबर को का न्यूमरेशन या नोटेशन इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो आपको चार्ट ये यूज़ करना पड़ेगा। देखिए वंस, वंस में देखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड पे आएंगे तो थाउजेंड को देखेंगे थाउजेंड, टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड। इसी तरह से यहाँ पे लैक नहीं आता, मिलियन आता है। मिलियन में नंबर हम काउंट लिखते हैं तो मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, उसके बाद बिलियन आता है। बिलियन भी इसी तरह से होता है, बिलियन, टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन। नंबर देखेंगे आपका फर्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री फोर वन टू फाइव सिक्स एट ज़ीरो। अब इसको अगर हम देखें तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, तो इसको बोलेंगे थर्टी फोर मिलियन, वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह से ये आपका कुछ होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज फर्स्ट ए दे रखी है पेज नंबर फाइव पे। ये आपको एक्सरसाइज पूरी इसी बेस पे है जो मैंने आपको समझाया है, तो आप इसको सॉल्व करें। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।